दोस्तों जितना भी न्यू क्रिएटर हैं शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसके बाद उनको शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आता है मात्र 10 से 20 व्यूज आता है, उसके बाद व्यूज आना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करने की टाइम क्या होती है। तो भाई आप लोग मैं बता दूं कि शॉर्ट भी अपलोड करने की टाइम होती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरी एक आंटी का लड़की है और वो वीडियो अपना शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मिलियनों में व्यू जा रहा है, पर ये किस टाइम पे वीडियो अपलोड करती है मुझे पता है, इसीलिए मैं सोचा हूँ आप लोग को भी बता दूं। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग उस टाइम पे वीडियो अपलोड करोगे तो आप लोग का 100% चेक कर रहा हूँ कि आपके शॉर्ट वीडियो पे व्यू जाएगा, मुझे पता है इसीलिए मैं आप लोग को भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने शॉर्ट वीडियो को अच्छा खासा आप वायरल कर सकते हो, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो गाइस मैंने इस वीडियो में अंत तक आप लोग के लिए एक वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसके पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस आप लोगों को बताता हूँ कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करने की टाइम क्या होती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मैं बता दूं कि जितना न्यू शॉर्ट क्रिएटर है दिन में आता है तो जब मन के तब शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो इससे व्यूज नहीं आता है, उनके भी टाइम होता है। तो क्या टाइम है आप लोग को हम बताते हैं। तो जितना लोग एक गलती करते हो तो आप लोग एक गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं शॉर्ट वीडियो का टाइम बताता हूँ कि आप लोग किस टाइम पे अपलोड करोगे कि आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा। आपको बता दूं कि दो टाइम आपको बता दूं, कौन सी पहले टाइम है कौन सी दूसरी टाइम है, ठीक है। तो आप लोग को बताता हूँ, पहला टाइम आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि अपना शॉर्ट को अच्छा से एडिट वीडिट मतलब शूट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आप लोग कभी भी शॉर्ट अपलोड कीजिएगा, और उसके बाद अपलोड करने के बाद उसको एडिट उडिट के चक्कर में मत पड़िएगा, तुरंत उसको अपलोड करके छोड़ दीजिएगा। 12 घंटे तक आप लोग को इंतजार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इंतजार करने के बाद देखिएगा आपका शॉर्ट पे वीडियो पे भेज आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो अच्छी बात है, आपको वो टाइम परफेक्ट है। अगर नहीं आता है तो आपको छोड़ दीजिएगा, आपको वो टाइम अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर से अगर आप दूसरी बात को ध्यान से देंगे, अगर इस टाइम पे अपलोड करोगे तो आपका वीडियो अच्छा खासा वायरल होगा, क्योंकि ये चांटी की लड़की है इसी टाइम पे वीडियो अपलोड करती है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बताता हूँ वो कौन सा टाइम है। वो क्या करती है कि शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करती है, ठीक है। तो उनकी वीडियो पे अच्छा खासा देख सकते हैं व्यूअर्स आते हैं। तो गाइस आप लोग को क्या करना है कि शाम को 7 बजे पब्लिश करना है, अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है। अगर उस टाइम पे अगर अपलोड करोगे 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे तो आपका चांस है कि 100% शॉर्ट वीडियो पे व्यू जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि सब लोग खाली रहते हैं, शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट फीड में आपका शॉर्ट वीडियो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका शॉर्ट फीड में जाएगा तो इससे वायरल होगा और आपके शॉर्ट पे व्यू जाएंगे। पहला जो समय है उस पर अगर आपका व्यू नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है, उसके बाद आपके दूसरे समय पे वीडियो अपलोड करना है। इस पे क्या होता है कि 100% आपका शॉर्ट पे वीडियो पे व्यू जाएगा, क्योंकि ये जो आंटी का लड़की है इसी टाइम वीडियो अपलोड करती है। उसके बाद देख सकते हैं कि मिलियनों में व्यू जा रहा है, आप प्रूफ यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग मिल के अपलोड करते हैं, हम लोग को पता है, इसीलिए मैं सोचा हूँ आप लोग को भी बता दूं, आप लोग भी अच्छा खासा अपने चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ा सकें, अपने वीडियो को वायरल कर सकें। तो गाइस आप इस टाइम पे अपना शॉर्ट वीडियो को अपलोड करोगे तो आपका चांस है कि 100% शॉर्ट फीड में जाएगा। उसके बाद शॉर्ट फीड में गया तो आपका शॉर्ट वीडियो वायरल होगा और उसके बाद अच्छा खासा व्यू जाएंगे, अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल पे आपको यूट्यूब से जुड़ी नॉलेज वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में।